वेलकम टू मेडिसिन कोचिंग। केमिस्ट्री को रोज कितना टाइम दें, केमिस्ट्री को कितनी प्रैक्टिस करें, इनऑर्गेनिक वर्सेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन सब पॉइंट्स पर डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शीला जी फ्रॉम द थर्ड ईयर एमबीबीएस। इन सब डिफरेंट वर्सेस करेंगे, होप सो आपकी क्वेरीज सॉल्व होंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू आवर चैनल। अगर तो आपने फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छा पढ़ा है तो सेकंड ईयर में बेसिकली ज्यादा रिएक्शंस होते हैं। तो अगर आपने सेकंड ईयर बहुत अच्छे से पढ़ी है तो आपको केमिस्ट्री के रिएक्शंस को सही टाइम नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके सेकंड ईयर के कॉन्सेप्ट्स वीक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो आप रिएक्शंस की प्रैक्टिस को मैक्सिमम टाइम दें। और जब भी आप एक चैप्टर मुकम्मल कर लें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो उसके रिएक्शंस को एटलीस्ट 2 से 3 दफा गो थ्रू करें ताकि वो आपके जहन में रह जाए। नेक्स्ट है कि थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री का या जो रिएक्शन वाला पोर्शन? थ्योरेटिकल पोर्शन इसके बारे में यह है कि ऑब्वियसली सबको पता है, जो स्टूडेंट्स उनको ज्यादा पता होता है कि जो केमिस्ट्री है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके रिएक्शन उसके कॉन्सेप्ट उससे ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं। तो इस लिहाज से अगर एमसीक्यूज के वेटेज के लिहाज से देखा जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपको ज्यादा टाइम देना चाहिए। और जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको भी आप टाइम दें, उसको इतना टाइम ना लें, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएक्शन है वो ज्यादा अच्छी। नेक्स्ट है कि जो तैयारी है वो जस्ट पंजाब की जो टेक्स्ट बुक है, अगर जो पंजाब का स्टूडेंट्स है वो सिर्फ पंजाब की बुक से करें या किसी नेशनल लेवल बुक यूज करें? चूँकि अब जो है अंडरग्रेजुएट जो नेशनल लेवल पे कंडक्ट होता है, कभी प्रोविंशियल लेवल पे नहीं होता, तो उसके लिए पंजाब टेक्स्ट बुक फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको अब अच्छे से करें। उसके बाद आप जो है ना फेडरल की बुक को एक दफ़ा गो थ्रू शुरू कर लें, क्योंकि जब मैंने अपने टाइम पे अंडरग्रेजुएट दिया था तभी नेशनल लेवल पे हुआ था, तो पंजाब टेक्स्ट बुक मैंने पढ़ी थी बहुत अच्छे से। उसके बाद मैंने फेडरल की बुक से गो थ्रू किया था, उसमें बहुत सारे ऐसा नहीं है कि सिलेबस कम्प्लीटली डिफरेंट है और आपका उस पर टाइम्स आया होगा, ऐसा नहीं है। जब एक दफ़ा आप पंजाब टेक्स्ट बुक पढ़ लेते हो उसके बाद आप फेडरल की बुक से गो थ्रू करते हो, तो वो मैक्सिमम आप मतलब 15-20 मिनट लगेंगे उस एक चैप्टर को गो थ्रू करने में। और जो लाइन आपको लगता है कि पंजाब टेक्स्ट बुक में नहीं है, फेडरल की बुक में है, आप उनको नोट डाउन करिए अपनी पंजाब टेक्स्ट बुक पर, ताकि जब आप दोबारा रिवाइज करें तो आपको फेडरल की बुक दोबारा से ना खोलनी पड़े। तो ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन आप फेडरल की बुक एक दफ़ा कंसल्ट जरूर करें। नेक्स्ट है कि जो सेकंड ईयर केमिस्ट्री है वो ज़्यादा टाइम टेकिंग है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री? ऐसा है कि क्योंकि हमें क्या सेकंड ईयर के एग्जाम्स के बाद होता है और फर्स्ट ईयर के सिलेबस को पढ़े हुए तकरीबन 1 साल गुजर जाता है, और सेकंड ईयर आपने भी फ्रेश पढ़ी होती है वो आपके जहन में ज़्यादा अच्छे से याद होती है, तो इसलिए फर्स्ट ईयर को मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप फर्स्ट ईयर पर ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि वो 1 साल का गैप आ गया होता है, तो आपके कंसेप्ट उस तरह से जो है वो आपके जहन में नहीं रहते। आप फर्स्ट ईयर को केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम दें और पहले फर्स्ट ईयर कर लें, सेकंड ईयर बेशक उसके बाद कर लें, क्योंकि सेकंड ईयर के भी आपने बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से याद होती है। नेक्स्ट है कि हाई यील्ड लेस यील्ड एंड मॉडरेट यील्ड टॉपिक्स कौन से? क्योंकि अगर हम ये वेटेज को देख के केमिस्ट्री की तैयारी करें, किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करें, तो वो ज़्यादा बेटर हो सकता है, क्योंकि जिनकी वेटेज ज़्यादा उनको अगर हम ज़्यादा टाइम दें तो ये मसला अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। तो कौन से हाई यील्ड मॉडरेट यील्ड लेस यील्ड टॉपिक्स? हाई यील्ड टॉपिक्स जो है केमिस्ट्री के, उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम आ जाता है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, हाइड्रोकार्बन, अल्काइल हैलाइड्स, जो हाई यील्ड टॉपिक्स है ना उसमें, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, उसमें ज़्यादा पोर्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही आ जाता है। उसके बाद जो मॉडरेट यील्ड टॉपिक्स हैं उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर आ जाता है, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शन काइनेटिक्स। लो यील्ड टॉपिक्स में गैसेस, सॉलिड, लिक्विड्स, जिसमें कि मेजर थ्योरेटिकल पोर्शन है। नेक्स्ट है कि अच्छा फिर आप वेटेज के अकॉर्डिंग अगर करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है? क्योंकि आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मैंने 60% अपने जो सिलेबस था वो कवर कर लिया, 70% सिलेबस कवर कर लिया, ये आपकी ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट है कि बुक्स जो है ना सिर्फ वहीं से उस पर रिलाई किया जाए या नोट्स वगैरह भी यूज़ किया जाए? ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनसे वो नोट्स पढ़े जाते हैं जो उन्होंने अपने बनाए हुए होते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि उनको अपने नोट्स बनाना मुश्किल लगता है, उनकी कोशिश होती है कि हमें किसी दूसरे के बने हुए नोट्स मिल जाए और हम वो पढ़ लें।
सबसे पहली चीज जो है नोट्स की, वो ये है कि जब आप अगर लेक्चर ले रहे हैं ना एक टॉपिक का, तो आप उसको नोट डाउन करें। जो आपका सेल्फ रिटन लेक्चर होता है ना, वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सबसे पहले तो आपने लेक्चर नोट्स बनाने हैं, उनको आपने जरूर जरूर पढ़ना है। उससे ज्यादा बेहतर इवन आप किसी जगह से याद नहीं कर सकते। सबसे पहले अपने लेक्चर नोट्स को आपने जरूर पढ़ना है, उसके बाद टेक्स्ट बुक, उसके बाद अगर आप अकेडमी में जा रहे हैं, अगर अकेडमी के सर या वहाँ की कोई बुक है तो आप अगर उसको कंसल्ट करना चाहते हैं तो जरूर करें, इट्स वेरी हेल्पफुल। लेकिन अगर नहीं भी कर रहे हैं इट्स ऑल राइट, अगर आप पढ़ सकते हैं तो उसको जरूर पढ़ें। नेक्स्ट अगर अकेडमी का जो MCQs है वो बच्चों के बहुत गलत हो रहे होते हैं, जब वो अकेडमी टेस्ट देते होते हैं तो इस वजह से वो बहुत परेशान होता है कि हम हमारे इतने जो है इधर ही MCQs निकलते हैं तो हमारे MCAT में क्या होगा, तो वो तो बिल्कुल मुश्किल आता है बच्चों का ये जो है ना वो कंसर्न होता है लेवल, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए? MCQs जब आप प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे होते हैं तो उसका तरीका ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक MCQ गलत हुआ है उस वक्त आप उनसे डिस्कस कर लिया, आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कुछ स्टूडेंट होते हैं उनका IQ लेवल ज़्यादा होता है तो उस चीज़ को रिटेन कर लेते हैं, लेकिन कुछ मेरे जैसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका अगर एक MCQ गलत हो गया उसको बार बार गलत करते हैं। इसका मैंने एक सोल्यूशन ये निकाला था, जब एक प्रैक्टिस MCQs की हमारी टेस्ट होने के बाद डिस्कशन होती थी तो जो मेरे MCQs गलत होते थे तो मैं ऐसे करके उनको लिस्ट आउट कर लेती थी, एक सेपरेट शीट ले लेती थी और उसके ऊपर स्टेटमेंट्स लिख लेती थी कि मैंने, बेसिकली ऐसा नहीं कि आपने उस पूरे MCQs को कॉपी पेस्ट कर लेना, नहीं, आपने उस एक बेसिक चीज़ को वहाँ पर लिखना है जो कि आपको लगता है कि आपने ये सोच के MCQ गलत किया था, और ये चीज़ आपके जहन में नेक्स्ट टाइम रहनी चाहिए। आप एक टेस्ट में अगर टेस्ट है तो मैक्सिमम आप उसमें 8 से 10 MCQs गलत कर देंगे तो आपके वो 8 से 10 स्टेटमेंट्स बन जाएंगे, आपके पास वो सेपरेट नोट डाउन होगी आपकी गलतियाँ, ताकि जब आपका दोबारा उस टॉपिक पे टेस्ट हो तो आप उन चीज़ों को 2 से 3 दफ़ा पढ़ लें, फिर जब आप उस तरह से करेंगे तो आज का ऐसा आपकी मिस्टेक्स जो है वो कम होती जाएंगी। नेक्स्ट है कि जस्ट जैसे बुक से पढ़ा जाए या सेल्फ स्टडी की जाए या फिर यूट्यूब से जो लेक्चर वगैरह वो भी ले जाए, क्योंकि आजकल तो यूट्यूब पे हर तरह की वीडियोस मौजूद हैं, आप किसी टॉपिक पर कोई वीडियो देखती है तो आप यूट्यूब से कंसल्ट कर सकते हैं, तो क्या बेस्ट रहता है? मेजोरिटी स्टूडेंट्स जो होती है एमबीकेट की, वो उन्होंने अकेडमी ज्वाइन की होती हैं, मतलब जैसे क्यूबसैट, स्टार है, स्टेप है, उन अकेडमीज ने अपने रिकॉर्डिंग लेक्चर्स दिए होते हैं वेबसाइट पे, तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ से कर लेते हैं। इन केस कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अकेडमी ज्वाइन नहीं की हुई, अगर उनके कोई टॉपिक्स क्लियर नहीं है तो आप यूट्यूब लेक्चर्स लें, लाइक अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप जरूर लें, अदरवाइज वो जो आपके अकेडमी के रिकॉर्डिंग लेक्चर्स होते हैं वो अच्छे होते हैं, वहाँ से हो जाता है। नेक्स्ट है कि रोजाना एटलीस्ट केमिस्ट्री के जो है रिएक्शंस को कितना टाइम रहना चाहिए कि प्रैक्टिस कर लें। रोजाना केमिस्ट्री के रिएक्शंस को अगेन ये चीज़ याद रखती है कि अगर तो आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप चीज़ों को इतने देखने से कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, आपके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको चीज़ें नहीं याद रहती तो मेरे ख्याल से आप केमिस्ट्री के रिएक्शंस कर रहे हो ना जस्ट लाइक मैथ, आप उसको देख के नहीं चीज़ों को याद कर सकते, इसलिए मेरे लिए तो इस तरह से था कि मैं जब याद करती थी एटलीस्ट आप उस चीज़ को ना थोड़ा हाथ से जरूर गुजारे, आप पढ़ लें, आप अपने पास पेपर पेन रखें, एक रिएक्शन को लिखने में 10 से 15 सेकंड लग जाएंगे, ये टाइम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होगा, आप एटलीस्ट एक रिएक्शन को एक दफ़ा अपने हाथ से जरूर गुजारे, आपके जहन में रह जाता है, जो आपने अपने हाथ से चीज़ लिखी होती है वो आपको नहीं भूलती। आप रिएक्शन की प्रैक्टिस करें, रिटर्न प्रैक्टिस करें, आज दो कोई शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन वाला पेपर नहीं है, MCQs होते हैं, लेकिन उस तरह से कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल SP3 रिएक्शन है, SN1 SN2, उसमें आपको कैसे पता चलेगा कि हाइब्रिडाइजेशन SP3 से SP2 का हुई है, तो ये चीज़ें याद करने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, जब आप रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपके दिमाग में रह जाएंगी। तो आप उसको कितना प्रैक्टिस करेंगे, आप ना इससे इवन अगर आप पूरा रिएक्शन भी नहीं लिखना चाहते ना, तो आप अपनी इस तरह से जिससे मैंने भी बोला है कि प्राइमरी अल्कोहल से बनेंगे तो आप प्राइमरी अल्कोहल लिखें, आगे एरो लगा के आगे एल्डिहाइड लिखें, पूरा रिएक्शन ना लिखें, एलिमेंट्स ना लिखें, लेकिन इस तरह के छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स बना लें जिससे आपको याद रहेगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट करके अब जो लास्ट वीक आ जाता है उसमें बच्चों की टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि पूरा सिलेबस कवर करना होता है हमने एक वीक के अंदर, तो अब उसमें से ऑलमोस्ट 2 डेज बचे हैं केमिस्ट्री को कवर करने के लिए, तो 2 डेज में पूरी केमिस्ट्री को कैसे कवर किया थे? जो आपके लास्ट डेज होते हैं एमडीकैट के लिए आपने उसके लिए शुरू से तैयारी करनी होती है, ऑब्वियसली टाइम बहुत कम होता है, आप उसमें ए टू जेड सारा सिलेबस प्रैक्टिस एमसीक्यू सब कुछ रिवाइज नहीं कर सकते। उसके लिए एक तो चीज़ वो कि जो आपको वो नोट्स बने हुए होते हैं जो आपने एमसीक्यू गलत किए होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आपने उसको सेपरेट लिस्ट आउट कर लिया है कि आपने इस टेस्ट में ये वाले एमसीक्यू गलत किए हैं, यही ऑप्शन थे, ये जो आपने अपने जहन में गलत से कॉन्सेप्ट और आपने उनको ठीक किया है, एक तो आपने अपने मिस्टेक्स को रिवाइज करें हैं, और दूसरी चीज़ ये कि शॉर्ट लिस्टिंग, आपके लिए शॉर्ट लिस्टिंग बहुत ज़रूरी है एमसीक्यू में। शॉर्ट लिस्टिंग इस तरह से कि फॉर एग्जाम्पल अगर स्टार्ट ऑफ द सेशन जब आपने चैप्टर नंबर 1 किया है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री ले लेते हैं, उसमें जब आप आपको टॉपिक याद करते हो, आप एक टॉपिक याद करने के बाद आप उसे एक तरह रिवीजन जरूर दें, और ऐसा नहीं होता कि हमने टॉपिक याद किया तो हमने उसकी एक एक चीज़ एज ए चीज हमारे जहन में रह जाए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमेशा याद करने पर हमें भूली हुई होती हैं, और ऐसे पॉइंट्स हैं स्टूडेंट को पता होता है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो कि मुझे भूल जाएगी, जो अच्छे से याद नहीं है, आपने वो स्टेटमेंट्स सेपरेट करके लिख लेनी है और एज ए चीज वैसे लिखनी है जैसे आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर लिखी हुई है, क्योंकि एमडीकैट में बुक की स्टेटमेंट्स भी याद आती हैं, आपने उस स्टेटमेंट को सेपरेट करके शॉर्ट लिस्टिंग बनानी है, आपको मैक्सिमम एक चैप्टर का 1-2 पेजेस हो जाएंगे, 2.5 हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। आपने जब भी कोई टॉपिक प्रिपेयर करना है तो उसकी शॉर्ट लिस्टिंग जरूर कर लेनी है, और लास्ट 2 डेज में आपने इन चीज़ों को रिवाइज करना है, अपनी शॉर्ट लिस्टिंग को, अपने एमसीक्यूज के जो मिस्टेक्स आपने लिस्ट आउट किए हैं वो, रिएक्शंस और ये सारी चीज़ें। लास्ट तक एनी मोटिवेशन लाइन फॉर द एमडीकैट स्टूडेंट्स? एमडीकैट स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशनल लाइन यही है कि एक बात याद रखें, आप जितनी मर्जी एफर्ट कर लें, मेरे ख्याल से एमडीकैट का कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो पढ़े बगैर ना चाहते पेपर देने लग जाता है, मेहनत सबने की होती है, कि किसी ने ज़्यादा किया किसी ने कम किया, लेकिन हमारे सामने देखने की बात होती है और किस्मत बहुत होती है कि जिसने कम मेहनत की होती है उसके मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन एक चीज़ होती है कि आपका अलग अलग ये थी और उसके लिए आपको अल्लाह से मदद मांगनी पड़ती है, उसके लिए कि एक बात याद रखें कि अगर आप अपनी टीम में से अल्लाह के लिए वक्त नहीं निकालते ना तो अल्लाह ताला आपके वक्त को आप इतना तंग कर देता है कि आप जितनी मर्जी मेहनत करते हो वक्त आपको पूरा नहीं पड़ता, आप अपनी रूटीन में अल्लाह ताला के लिए वक्त जरूर निकालें, बाकी सारी चीज़ें बाद में आपका अल्लाह से ताल्लुक पहले है, आपने उस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है, प्रेफर करना है, आपकी मेहनत आपकी किस्मत सब एक अलग अलग चीज़ है, लेकिन आपका अल्लाह ताला से एक ताल्लुक, जब आप वो करेंगे ना तो अल्लाह चाहता है, अल्लाह वो करेगा जो आप चाहते हैं। So that was all about me, Kashida. Thank you for your time. आप लोग सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड अपने जो एमडीकैट एस्पिरेंट्स हैं आपके कोलीग्स हैं कोई भी फ्रेंड हैं उनके साथ डिस्कस करें और उनको भी जो इन्फॉर्मेशन शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।